वेरी गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। हम यूनिट 4 के लेक्चर 11 पर हैं और हम ऑलरेडी हमारे लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। अ प्लान इज अ कमिटमेंट टू अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग रिजल्ट्स। एज वी कैन से प्लान एक स्पेसिफिक एक्शन होता है जिसको हम प्रपोज करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ऑल्सो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने गोल्स और अचीवमेंट्स जो भी हमें अटेन करने हैं उनके बारे में हम लिख के रखते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो प्लान होता है ये एक तरीके का एविडेंस होता है, एक तरीके का प्रूफ होता है जिसमें हम अपने सारे फैक्ट्स फिगर्स सारे डेटा जो है उनको लिख करके रखते हैं सो दैट इन फ्यूचर वी कैन गेट हेल्प थ्रू इट। So we have three types of plan over here. Okay, the very first one is single use plan. Another one is standing plan. And the next one is neither single use and nor standing plan. So here we go with a single use plan. This is a plan for one time project, or we can say one event, or to accomplish one specific ऑब्जेक्टिव। सी इस तरीके के जो प्लान्स होते हैं ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ में बनाए जाते हैं और वो भी सिर्फ वन टाइम इवेंट या वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ किसी एक ही प्रोजेक्ट के लिए। इट अप्लाइज टू एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट रीअकर और रिपीट। ये उन एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं जो दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। These are specifically designed to achieve particular goals. इन सब को हम specifically particular goals को achieve करने के लिए ही target करते हैं। Although such plans is developed to meet the needs of a unique situation, किसी एक unique situation, किसी एक unique problem को solve करने के लिए भी इन plans को design किया जाता है। It's like what I said is कि single use plan जो है वो length के according, आपके project length के according depend करते हैं। It's like कि अगर मैं advertisement या किसी एक single one day plan कर रही हूँ, one month का मेरा plan है, one year का मेरा plan है, जैसा भी मेरा plan या proposal होगा, जैसा भी मेरा project होगा, जितनी भी length उसकी होगी, इस plan की भी, single use plan की भी उसी हिसाब से length होती है। It's like कि मेरा अगर marketing का कोई campaign है तो मेरा उसी marketing campaign के साथ ही मेरा single use plan भी एंड हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंगल यूज प्लान में कौन कौन सी चीजें हम काउंट करते हैं। सो इन दिस वी काउंट व्हाट प्रोग्राम एंड आवर बजट। वी स्टार्ट विद प्रोग्राम नाउ। अ प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान कंटेनिंग डिटेल्स स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट आउटलाइंस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ डिटेल्स वी आर टॉकिंग अबाउट। सी आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके पॉलिसीज, आपके प्रोसीजर्स, आपके रूल्स, आपके टास्क, आपका फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज बजट। अ बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ अ टाइम। यानी कि बजट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हम जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स का मतलब एक्सपेंडिचर्स एज वेल एज योर इनकम्स, उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखते हैं, यानी कि एक्सप्रेस्ड इन टू टर्म्स ऑफ नंबर्स, और वो भी किसके लिए, किसी डेफिनेट पीरियड के लिए, लाइक वन ईयर, लाइक टू ईयर्स, लाइक फाइव ईयर्स। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है फाइव ईयर प्लान्स होते हैं, गवर्नमेंट के बजट होते हैं जो एवरी ईयर आते हैं, इसी तरीके से कंपनीज भी अपना बजट प्रिपेयर करती है बिफोर दे स्टार्ट एनी न्यू प्रोजेक्ट। Okay, here what we have is standing plan. Standing plans are used over and over again because they focus on organization situations that occurs repeatedly. See, what I'm trying to say is कि standing plans में हम उन plans को use करते हैं जो कि हमारी organization में situations repeatedly occur होती हैं, उन्हीं के ऊपर बनाए जाते हैं। They are usually made once and retain
their value over a period of 5 years, यानी कि सिर्फ एक बार बनाया जाता है, वंस मेड एंड लॉन्ग लास्टिंग, ये एक ही बार बनाए जाएंगे एंड और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. नेक्स्ट अप इज इनकी जो वैल्यू है वो पीरियड ऑफ टाइम तक, पीरियड ऑफ ईयर्स तक लॉन्ग लास्टिंग होती है. इनके रिविजन में या अपडेट्स में हम चेंजेस कर सकते हैं, इनके रिवाइजेशन हो सकते हैं, इनके अपडेट्स हो सकते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड रिपीटेड यूज़ प्लान. इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज़ रिपीटेड यूज़ प्लान. सो इन स्टैंडिंग यूज़ प्लान वी हैव पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड. So here we start with the very first, that is policy. Policies are general statement that guide thinking or channelizing energies towards a particular direction. See, policies वो general guidelines होती हैं जो हमारे actions से, decision makings में हमारे uniformity लाती है. Uniformity का क्या मतलब है? यहाँ पर uniformity का मतलब है कि आपके decisions को more accurate करने में help करती है, uniform बनाती है आपके decision को. इसके बाद मैंने एक बात बोली है, that they provide directions to the managers for एन ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्शंस देती हैं किसको? मैनेजमेंट को डायरेक्शंस प्रोवाइड करती हैं. ऑल्सो आई हैव सेड दे आर फ्लेक्सिबल एज दे कैन, दे मे चेंज एज पर रिक्वायरमेंट. ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल भी होती हैं, जिसकी वजह से हम अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट्स वी कैन चेंज इट. जो गुड्स है उसके लिए सेल्स प्रोसीजर आप ऑन कैश बेसिस कर सकते हो, ऑन क्रेडिट बेसिस कर सकते हो, या आप जो रिजर्व्स मेंटेन करते हो उसके लिए पॉलिसीज हो सकती हैं. प्रोसीजर, प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन. सी, प्रोसीजर्स वो डिटरमाइंड सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं. ये होते क्या हैं? सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाने वाले स्टेप्स होते हैं, जिनको हमें एज इट इज ही एक्टिविटीज़ में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है. ये इंडिकेट क्या करते हैं? दैट हम कौन सा काम कर रहे हैं, विच वर्क वी आर गोइंग टू डू, एंड इन सीक्वेंस मैनर, यानी एक सर्टेन वे, एक रास्ता, हम एक पाथवे फ्रेम करते हैं और उसी रास्ते से हम उस सारे काम को करते हैं. दे हेल्प इन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, ये हमें वर्क के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं. ऑल्सो प्रोसीजर जो है हमारे एक्शंस को भी गाइड करते हैं, गाइड आवर एक्शंस. इसके साथ साथ मैं एग्जांपल बता दूं कि हम प्रोसीजर्स के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक कि आपने प्रोसेस लिया है कि एम्प्लॉयज़ को आप किस तरीके से रिक्रूट करेंगे, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ का आप सिलेक्शन करेंगे. तो उसमें आपने प्रोसीजर रखा होगा कि पहले आप स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद आप रिटन टेस्ट लेंगे, उसके बाद ओरल होगा. वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसे हम प्रोसीजर कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज मेथड. See, method provides the prescribed way or manner in which a task has to be performed considering the objectives. किसी भी काम को करने का एक particular तरीका होता है. The way to perform a task, the way to do a action, और उस काम को परफॉर्म करने के लिए हमारा जो एक्शन जो है, हमारे क्या क्या सारे स्टेप्स होंगे, उसे हम कहते हैं मेथड. लाइक कि आप अपने बिजनेस के अंदर किस तरीके से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इनकर करने वाले हो, टेक्निकल एस्पेक्ट से आप अपने प्रोडक्शंस को लेते हो या वर्कफोर्स से आप अपना काम मैक्सिमम कराते हो, यानी आप कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ले रहे हो या आप लेबर इंटेंसिव मेथड्स ले रहे हो प्रोडक्शन. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज रूल. सी, रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स टू इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन. दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्ट्रक्शन. यानी कि रूल्स जो होते हैं वो सेट होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, और इनके अंदर किसी भी तरीके का चेंजेस जो है वो अलाउड नहीं होता है. व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीज़ें जो हैं हम रूल्स में ही कंसीडर करते हैं. व्हाट और व्हाट नॉट, क्या करें और क्या
क्या ना करें। हमें ऑर्गेनाइजेशन में इन सब चीज़ों के लिए रूल बुक मिलती है, हर एक एम्प्लॉय को वो रूल बुक फॉलो करनी पड़ती है और उसे ही हम रूल कहते हैं। लाइक एज आप स्कूल में हैं तो स्कूल्स में भी आपके पास में रूल्स होते हैं, यू हैव टू बी इन यूनिफॉर्म, यू हैव टू अटेंड द लेक्चर्स अकॉर्डिंगली, आपको टीचर्स के पास भी इसी तरीके से रूल्स होते हैं कि आपको लेक्चर्स के लिए टाइम पर पहुंचना है। सेम वेज कंपनीज में भी रूल्स होते हैं और वो क्या होते हैं कि नो स्मोकिंग होता है इन ऑफिस प्रेमिसेस, वर्क इन टाइमिंग्स आपकी वर्किंग होंगे, कब आपको फूडिंग फीडिंग का टाइम रहेगा, ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड अंडर रूल। रूल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी स्टिफ होते हैं, इनके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकते हैं। ऑल्सो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में हो तो रूल्स जो आपको हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन इंडिकेटिंग विच पॉइंट आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल परफॉर्मिंग अ वर्क। यानी कि ये आपको हेल्प करते हैं कि किस चीज़ को आप अपने माइंड में ज़रूर रखो, कौन सी चीज़ों को आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी, उन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। सो नाउ वी हैव इज नीदर सिंगल यूज़ नॉ स्टैंडिंग प्लान। सो ये क्या होते हैं, ये ना तो सिंगल यूज़ के लिए होते हैं, ना ही कंपनी में रिजिड फॉर्म में होते हैं जिनको हम रिपीटेडली यूज़ कर सकें। ये होते क्या है, इसके अंदर हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, वन इज़ स्ट्रैटेजीज, अनदर वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड towards which the activities are directed, they access the end results of every activity। यानी हर एक activity का end result जो है वो आपके objectives ही होते हैं, इन्हीं को attain करने के लिए हम सारी मेहनत सारे काम करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रीहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये कॉम्प्रीहेंसिव प्लान होता है और ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सके। स्ट्रैटेजीज किस लिए बनाते हैं, स्ट्रैटेजी एक तरीके का प्लान ही होता है और वो कॉम्प्रीहेंसिव होता है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड प्लान, हर एक छोटे से छोटे स्टेप को हम उसमें कंसिडर करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं और वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन एम्स को अटेन कर सकें जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड किए हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डन विद अ टॉपिक ऑफ यूनिट 4, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। इन दिस वी हैव डिस्कस सिंगल यूज प्लान, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोग्राम एंड बजट को। नेक्स्ट अप वी हैव स्टैंडिंग प्लान, जिसमें हमने कवर अप किया पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड मेथड्स को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज नीदर सिंगल यूज और नो स्टैंडिंग प्लान, जिसमें हमने कवर किया स्ट्रैटेजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स को। दैट्स इट फॉर द डे।